गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जब कुछ जैसे रोटी जैसी चीज़ खाने की इच्छा नहीं हो तो रोटी को बनाए कैसे हम वो बताती हूँ। जिसके लिए लिए हैं मैंने 3 प्याज और थोड़े से हरी मिर्च के टुकड़े, और ये हैं मेरे रोटियाँ जिसके मैं टुकड़े कर लूँगी, पीस कर लूँगी इनके। कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड मैंने, इसमें डाल दूँगी जीरा और जो हमारे कटे हुए 3 प्याज हैं और मिर्च हैं इनको डाल दूंगी। इनको हम भूनेंगे बहुत अच्छे से। रिफाइंड डाला है मैंने इसमें और हल्का डाल दूंगी घी इसके अंदर, ताकि घी की खुशबू भी हो जाए इसके अंदर तो हमारी रोटियों में अच्छी लगती है वो। रोटियां चुपड़ी हुई भी हैं और थोड़ा घी इसमें डाल दिया तो खुशबू अच्छी आएगी इससे। ये प्याज भुन गए हैं, इसमें डाल दूंगी हल्का सा नमक, मिर्ची, हल्दी, चीनी मसाले डालूंगी इसके अंदर। और अब इसमें डाल दूंगी 1 गिलास पानी, आधा गिलास डालना है पानी। इसको उबलने देंगे बहुत अच्छे से। ये उबल गया है पानी, देखो कैसे उबाल आ रहा है। इसमें छोड़ देंगे ये रोटियां। आपका अगर सिंपल रोटी खाने की इच्छा नहीं हो तो 4 रोटी बनाओ, 4 काटो, छोंको, बहुत अच्छे से खाई जाती है और बहुत अच्छी लगती है, ये सबको पसंद आती है। और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अभी मैं रखूंगी गैस तेज पे ताकि पानी सूख जाए। ये देखिए ना, रोटियां पककर हो गई है तैयार हमारी, और नीचे चिपक जाता है, जो चिपकती हैं वो रोटियां कुरकुरी हो जाती है, वैसे ऊपर से सॉफ्ट रहती हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कुरकुरापन भी आता है इसके अंदर और सॉफ्टपन भी आता है, दोनों तरह का टेस्ट आता है इसके अंदर, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये रोटियां बनाने के लिए आप बिल्कुल ताज़ा गर्म रोटी भी बना सकते हो, और आपके पास रोटियां बच गई हैं उसका भी बना सकते हो, और ये बहुत ही लाजवाब लगता है, बहुत ही टेस्टी। ये रोटियां हमारी बनकर हो गई हैं तैयार और हमारी प्लेट हो गई तैयार। एक बार बना के देखें और ऐसे खा के देखें नींबू और सेव के साथ में, बहुत लाजवाब लगती हैं ये। और एक बार बना के खा के जरूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।